हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज का चैप्टर है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इस चैप्टर में आप पढ़िएगा कि रक्त का बहाव शरीर के अंदर कैसा होता है। तो जंतुओं में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन्स, उत्सर्जी पदार्थ या अन्य उपापचायी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। तो देखिए, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है और जो भी भोजन हम लोग करते हैं और हार्मोन्स से जो हमारा जो बॉडी का जो अलग अलग जो हमारे डिफाइन करता है हमारे कैरेक्टर्स को, हमारे हमारे अलग अलग चीज़ों को, तो ये सारी क्रियाएं किसके माध्यम से होती है? ये सारी की सारी क्रियाएं जो है रक्त के माध्यम से होती है। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर इंटेक करना या फिर हार्मोन्स का परिसंचरण, ये सारे के सारे में जो क्रियाएं हैं ये सब कुछ आपका जो है इसी से होता है, रक्त के माध्यम से होता है। एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो केवल उच्च श्रेणी के जंतु या मनुष्य में ही पाया जाता है, देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है ये हमारे बॉडी के अंदर ये बहुत ही एडवांस है और ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के अंदर ही ये पाया जाता है। इस तंत्र के तीन प्रमुख अवयव है। अभी देखिए इसमें क्या है कि रक्त परिसंचरण तंत्र करने के तीन अवयव है। सबसे पहला तो हमारा ब्लड है, दूसरा हार्ट है और तीसरा हमारे ब्लड वेसल्स है। ठीक है, अभी आप देखिए कि ये रक्त परिसंचरण तंत्र हमारे बॉडी के अंदर इतना पेचीदा है, इतना पहले कि बहुत इजी नहीं है। अभी देखिए हार्ट जिस तरीके से पंप करता है हमारे बॉडी को, हमारे जिस्म के पूरे एक एक कोने तक ब्लड पहुंचाता है और ये ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी के अंदर जो है सर्कुलेट करता रहता है, तो इसी को जो है सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, रुधिर परिसंचरण तंत्र इसी को कहा जाता है। इसके अलावा उच्च श्रेणी के जंतु लसिका तंत्र नामक एक और तंत्र भी पाया जाता है। ठीक है, देखिए, और लिम्फोटिक सिस्टम भी पाया जाता है। लसिका तंत्र वाहिकाओं के जाल, लसिका गांठ, अस्थि, मज्जा, प्लीहा और थैलस का बना होता है। लसिका तंत्र में उपस्थित तरल को लसिका कहते हैं। रुधिर परिवहन तंत्र दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र या पाया कम दबाव का तंत्र होता है। इसमें रक्त सीधे अंगों तक पहुँचाया जाता है, विभिन्न अंगों तक रक्त का वितरण सुचारू रूप से नियंत्रित नहीं होता है। इसमें रक्त हृदय तक काफ़ी धीमे लौटता है। अधिकतर आर्थोपॉड, सेफेलोपॉड को छोड़कर सभी मोलस्का और ट्यूनिकेट में पाया जाता है। दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र, मतलब दूसरा रक्त प्रवाह का तरीका। यह प्रायः उच्च दबाव का तंत्र होता है। इसमें रक्त को कोशिकाओं द्वारा ऊतकों तक पहुँचाया जाता है। यह विभिन्न अंग तक रक्त का वितरण सुचारू रूप से नियंत्रित होता है। इसमें रक्त हृदय तक बहुत तेज़ी से फैला उठता है। ये मुख्यतः सेफेलोपॉड्स और एकाइनोडर्म और कशेरुकाएँ में पाया जाता है। देखिए, दो तरीके से हमारा जो है रक्त प्रवाह होता है, एक खुला होता है, एक बंद होता है। ठीक है, धमनियाँ, यह लाल रंग की होती है, इसमें कपाट नहीं पाए जाते। ये शरीर में गहराई में स्थित होती है। इसकी दीवारें मोटी पेशी होती है, इसकी गुहा संकरी होती है, ये खाली होने पर खिचकती नहीं है। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में ऑक्सीजनयुक्त रुधिर बहता है। वेन, हमारी सिराएं जिसमें हमारा रक्त बहता है। अधिकांश सिराओं में हृदय की ओर खुलने वाला कपाट लगे होते हैं। सिराओं में रक्त को केवल हृदय की ओर ही जाने देता है। फुसफुस सिरा एक अपवाद है जो शुद्ध और ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। ये गहरे लाल या नीले बैंगनी रंग की होती है, इसमें कपाट पाए जाते हैं। शरीर की ऊपरी सतह में होती है, इसकी दीवारें पतली या लचीली होती है, गुहा चौड़ी होती है और खाली होने पर चिपक जाती है। हमारे ब्लड में पाया जाता है WBC। मानव शरीर में कौन से रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? WBC हमारे बॉडी के को संक्रमण से सुरक्षित करती है। WBC जो ब्लड में पाया जाता है, WBC हमारे बॉडी के कोशिकाओं को संक्रमण से सुरक्षित रखती है। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है, मतलब कौन से ब्लड वाला व्यक्ति जो है सबको ब्लड दे सकता है? ओ समूह। तो जो जनरल से जो सिंपल से क्वेश्चन है बायोलॉजी के, वो क्वेश्चन आपके जनरल कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत गहराई और डीपली में जाकर नहीं पूछा जाता, जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया रक्त के बारे में, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र, ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता। बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण, इस तरीके का डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको। जो क्वेश्चन पूछा भी जाएगा ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, WBC, ओ समूह का क्या मतलब है, तो ये सारे लोगों को जो है रक्त प्रोवाइड करा सकता है। वृद्ध व्यक्ति का रक्त दबाव सामान्यता क्या होता है? बूढ़ा व्यक्ति हो जाने के बाद रक्त का दबाव बढ़ जाता है।
एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होगा, तो ये सब सवाल पूछे गए हैं। देखिए आपके सामने 7.3, 7.35 से 7.45 पीएच तक। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? लाल लैंडस्टेनर। आरएच कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? पिलिया में होती है। ये सवाल ही पूछा गया है। मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mmHg होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, माता का रक्त वक्त, तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है, ए अथवा ओ में? देखिए अगर पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग यहाँ पे ओ है, तो उनकी संतान का रक्त कौन सा हो सकता है, ए अथवा ओ? कोई भी हो सकता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षा प्रोटीन किसके कारण निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट्स। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर। क्योंकि उस समय जो है दिल का दौरा पड़े हुए व्यक्ति को रिवाइव किया जा सकता है, फिर से जो है उसको ठीक किया जा सकता है, इसलिए उस अगर कुछ घंटों के अंदर उसको कर लिया गया तो उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। मनुष्य का शरीर में रक्त का दबाव दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा उपस्थित को किस गन के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया अथवा रक्तनी। कैसा रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम। रक्त को हृदय तक पहुँचाने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है? हृदय धमनियाँ कहलाती है, कोरोनेरी आर्टरीज। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है? ये अस्थि मज्जा में बनती है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90% होता है। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसको भूमिका होती है? सोडियम। एंजाइम एक प्रकार का है जैव उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट। एक धड़कन हृदय गति का एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क की ग्रंथि के द्वारा। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को ले जाना। ए भी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? कोई भी रुधिर वर्ग। अगर किसी का ब्लड ए भी है तो किसी का भी ब्लड उसे दिया जा सकता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा? हीपेरिन। मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 है। वैक्स पुरुष में आरबीसी की समानता संख्या होती है 5.0 मिलियन। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि जो है हमारे रक्तदाब को नियंत्रण करता है। शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के पार्ट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? 1 लाख बार। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? थायमस। हमारा सामान्य रक्त शुगर को स्तर कितना होता है? 80 से 90 होता है। इससे ज़्यादा होने के बाद हमें शुगर की बीमारी हो जाती है। रक्त के स्कंदन में कौन सा सहायता करता है? रक्त प्लेटलेट्स। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? रक्त प्लेटलेट्स। ये भी हमारे बॉडी में कम होने से हमारे अंदर बहुत सारी समस्या हो जाती है। हृदय की धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। जब रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होती है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? यकृत। और रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी। किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त अंतरित नहीं होता है? थ्रोम्बिन की उपस्थिति में। रक्तचाप दाब निलय धमनियाँ सिराएं उत्कोष्ठ में से किस में होता है? धमनियों में होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक? लाल रुधिर कोशिकाओं का। हृदय सिराओं धमनियों और कोशिकाओं में किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है? धमनियों के। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को, स्प्लीन। मानव हृदय बंद होता है हृदय वरण में। जब किसी बच्चे का जन्म होता है उसके रुधिर प्रसंस्करण को क्या होता है? रुधिर पहली बार अपशिष्ट को ले जाता है। हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। मानव रक्त के लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। मानव का कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग 60% होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। अनीमिया के रोग किस पोषक पदार्थ की कमी का होता है? फॉलिक एसिड की कमी। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी? ग्रेट सेफेनस सिरा पैर में उपस्थित होता है। श्वेत रक्त कणों को कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? तो ये आपका अगर 12,000 में हो गया तो कैंसर होने का चांस है श्वेत कण को सिखाए। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? अश्वगंधा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी? महाधमनी। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? प्लीहा। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिगेनो मैनोमीटर। अशुद्ध रक्त का प्रवाह हृदय महाधमनिया धमनिकाएं को सिखाया। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी? 150 से 200 है।
एनजी स्वयं है। रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राहकी को माना जाता है क्योंकि रक्त समूह में प्रत्यक्ष नहीं पाई जाती। एंटीबॉडी क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है। सिकल सेल एनीमिया किस रोग की विकृति से होता है? आरबीसी। रक्त परिसंचरण संबंधित अंग एवं उनके कार्य। देखिए हृदय, हृदय का काम है नलिकाओं के द्वारा रक्त को पूरे बॉडी तक पहुंचाना। धमनियों का काम है हृदय के अंगों तक पहुंचना, यानी कि हृदय से जुड़ा हुआ है वो, और सभी हृदय जो है सब पूरे रक्त को कोशिकाओं तक वो पहुंचाने का काम करता है। सिराएं जो है रक्त शरीर को हृदय तक पहुंचाता है। कोशिकाएं धमनी तथा सिरा को रक्त को सम्मिलन करता है। ठीक है, सिसरिपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रक्त दाब को कम करने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, सिराएं रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाता है। कोशिकाएं धमनी तथा सिरा के रक्त को सम्मिलन रूप है। रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रक्त दाब को कम करने के लिए। कौन से कोशिका प्रतिरक्षा एंटीबॉडी का उत्पादन करता है? लिम्फोसाइट। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोबुलिन संक्रमण रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन रक्त को स्कंदन करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए बी और ए बी हो सकता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? तो 1.5 लाख से 4.5 लाख होनी चाहिए। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीमीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम होती है। पेप्सिन ट्रिप्सिन टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होता है। देखिए ओ संभावित रक्त समूह असंभावित रक्त समूह ए बी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ ए और इसका संभावित रक्त समूह होगा ओ ए और असंभावित होगा बी ए बी नहीं हो सकता। ओ बी ये इसका संभावित ओ बी होगा और असंभावित ए बी नहीं हो सकता। ओ इंटू ए बी इसका होगा ओ ए बी नहीं हो सकता। ए इसका संभावित रक्त समूह होगा ए ओ बी ए बी नहीं हो सकता। ए बी इसका संभावित रक्त समूह होगा ए बी ओ और ए बी और यहाँ कोई नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ए इंटू ए बी इसका संभावित रक्त समूह होगा ए बी और ओ नहीं हो सकता। अब बी इंटू बी इसका रक्त, अगर बी इंटू बी माता पिता का अगर रक्त यहाँ पे है, अगर ये माता पिता का रक्त होगा ए तो इसका संभावित रक्त समूह ए ओ होगा। माता पिता का ए बी तो इसका संभावित रक्त समूह होगा ए बी ओ या ओ बी। माता पिता का रक्त समूह ए या ए बी है तो संभावित रक्त समूह होगा ए बी और ओ नहीं होगा। बी इंटू बी यानी बी बी अगर समूह है तो बी ओ होगा संभावित रक्त समूह और ए बी नहीं होगा। माता पिता का रक्त संभावित समूह है बी ए बी तो संभावित होगा ए बी। माता पिता का अगर ए बी है तो फिर संभावित रक्त समूह होगा ए बी बच्चों का। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 से 100 दिन होती है, 120 दिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो हाइपर लाइसीमिया, परिसंचरण तंत्र संबंधित रोग। तो इससे जुड़ा हुआ बीमारी क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन। जब रुधिर चाप सामान्यतः 120 से 80 से अधिक हो जाती है, स्थिति उच्च रुधिर चाप कहलाता है। उच्च रुधिर चाप का हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। फलस्वरूप शरीर के विभिन्न मुख्य अंग यदि दिमाग गुर्दे आदि दुष्फल, मतलब हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर जो है सर्कुलेशन जो है कुछ संभावित तेज़ हो जाती है। और इसमें खतरा क्या होता है? ब्लड हार्ट अटैक होने का, और इसमें आपके दिमाग और गुर्दे जो है लंग्स वगैरह जो है प्रभावित हो सकते हैं, जबकि ये सब काम जो है ब्लड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि ब्लड को सर्कुलेट करने का काम जो है आपका गुर्दा करता है। तो अगर हाँ, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो गुर्दा आपका प्रभावित होगा। ठीक है, ये बात है। यहाँ पर हृदय धमनी रोग या कैल्शियम वसा कोलेस्ट्रॉल रेशेदार ऊतकों को अधिक मात्रा में शरीर में जमा होने के कारण होता है। इस रोग को प्रायः एथेरोक्लेरोसिस नाम से जाना जाता है। एंजिना, जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हृदय के मांसपेशियों में नहीं पहुंच पाता, छाती में तीव्र दर्द शुरू होने लगता है। इसे एंजिना पेक्टोरिस नाम से भी जाना, मतलब कभी कभी हमारे ब्लड्स जो है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो है नहीं कैरी कर पाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है। आपके छाती में दर्द हो सकता है और इससे आपको हृदयघात आ सकता है। जब शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्लड्स पंप अच्छे तरीके से नहीं हो रहा तो इससे जो है आपका हार्ट फेल हो सकता है। अन्य रोग के बारे में नीचे दिया है। देखिए उच्च रक्तदाब हाइपरटेंशन, निम्न रक्तदाब हाइपरटेंशन, हीमोफीलिया आपको हार्ट अटैक हो सकता है, अरक्तता हीमोग्लोबिन की कमी, लाल रुधिर कणिकाओं को हीमोग्लोबिन टूटने से बिलीवरिडन और बिलीवरिबिन नामक पित्त रंजन बनते हैं।
हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ए बी रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग का व्यक्ति को जो है वो ब्लड दे सकता है, जिसको यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है, ब्लड ले सकता है। ठीक है, किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड को ये रिसीव कर सकता है, ए बी रक्त वाले समूह। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना है। प्रतिजन एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा निर्माण को उद्दीपित करता है। इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है, यानी कि आपके बॉडी को बीमारियों से बचाना है। रक्त का थक्का बनने में फाइनोब्रोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। मतलब जो रक्त ब्लड जो क्लॉट हो जाता है उसका होने का कारण है थ्रोम्बिन एंजाइम। तो यह हमने आपका ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। थोड़ा सा डिटेल में नहीं किया है क्योंकि इसको डिटेल में करने की ज़रूरत भी नहीं है। जितना हमने डिस्कशन किया है और जितना भी आपके सामने ये कंटेंट है, अगर इस कंटेंट को अगर आप एक बार पढ़ लें, एक बार देख लें एग्ज़ाम से पहले, नो डाउट्स। अगर आप बहुत डिटेल में नहीं भी जानते हैं तो ऊपर ऊपर से जो भी आपको जो सिंपल से क्वेश्चन है जनरल साइंस के, तो ऊपर से ही पूछे जाते हैं, डिटेल में नहीं पूछे जाते। जैसे कि हमने आपको रक्त समूह के बारे में बताया, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ऊपर ऊपर से चीज़ें जो आपको बहुत डिटेल में बहुत गहराई में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम साइंस का एग्ज़ाम नहीं दे रहे, हम जनरल कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं। बस आयोग हमसे अपेक्षा करता है कि हमें एक बेसिक सा नॉलेज होनी चाहिए साइंस के बारे में, बेसिक सा नॉलेज, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक सा नॉलेज। जैसे कि हमारे मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो प्लाज्मा कितना, जैसे सपोज ऐसा क्वेश्चन, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी कर ले, आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा, साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम आपको सारे साइंस से जुड़े हुए वीडियोज़ प्रोवाइड करा देंगे, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप साइंस आपका ठीक हो जाएगा। थैंक यू।